तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि टाटा नेक्सॉन 2020 BS6 के XM और XM मॉडल में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पर आपको बताऊंगा मैं कि क्यों मैंने XM को छोड़ के XMS ली और क्या रीजंस होते थे। सबसे पहले स्क्रीन को हम ऑफ कर देते हैं, कुछ नहीं करना हमको, जाके डिस्प्ले मोड ऑफ पे जाके क्लिक करना और डिस्प्ले हमारी ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहला मेन जो है वो आपको एंड में बताऊंगा, पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस में जो डिफरेंस आता है वो आता है अराउंड 60,000 का, 55,000 to 60,000 का डिफरेंस आता है इसके अंदर XM और XMS के अंदर। ये भी डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, छोटा मोटा बात ऊपर नीचे जो हो सकता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो गाड़ी में बाहर से कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप बाहर से देखोगे तो कोई डिफरेंस ही मिलेगा। तो सबसे मैं लीस्ट को सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि सबसे जो कम काम का होता है सबसे पहले बताता हूँ। टोटल चार डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। उनमें सबसे पहला जो है वो है रेन सेंसिंग वाइपर। तो इसके अंदर जो सेंसर्स दिए हुए हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बारिश होती है या आप मान लो पानी गिराते हो तो वो मालूम पड़ जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाते हैं जो क्या है वाइपर्स। तो इसमें रियर में कोई वाइपर नहीं दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो का फंक्शन, ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो का मतलब हुआ है कि ऑटोमेटिक सेंसिंग वाइपर सिर्फ यहीं पर काम करेंगे, जब चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ है कि हर बार ऑन ना हो, अब आप उसको ऑफ भी कर के रख सकते हो। इसके बाद में सेकेंड आता है ऑटो हेडलैम्प। तो ऑटो हेडलैम्प में क्या रहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल गाड़ी के अंदर XM के अंदर यहाँ पे सिर्फ ऑफ ही लिखा होता है, ऑफ ये पार्किंग लाइट, ये लो बीम और ये फुल बीम। इसके अंदर जो है हमको ऑटोमेटिक लाइट मिली है, जैसे ही थोड़ा अंधेरा ऑन लगता है तो ये गाड़ी लाइट जो है अपने आप ऑन होने लग जाती है, हो जाती है। जैसे अभी अभी ऑटोमेटिक तो लाइट ऑन हो रखी है, क्योंकि अभी जो गाड़ी खड़ी है थोड़े से अंधेरे में खड़ी है। तो ये हो गया सेकेंड हमारा, इसको भी आप ऑफ कर सकते हो कि ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको आप को इसी पे ही रहना पड़ेगा कि आपको हमेशा ऑटोमेटिक पे रखना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। तीसरा जो फीचर है जो XMS में हमको मिलता है वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। अब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की अहमियत उन्हीं को पता होगी जिन लोगों ने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का यूज़ देखा है कि क्या यूज़ आता है और गाड़ी का लुक कैसा एनहांस होता है अंदर का। अभी आप देख रहे हो XM के अंदर सेम ये वाले इस पार्ट के ऊपर ये जो ऑप्शन बटन ये नहीं आते, जो ये चीज़ है फिक्स, ये ऐसे की ऐसे यहाँ पर आती है। अब इसके अंदर बता देता हूँ पहले आपको क्या क्या आप दिए हुए कंट्रोल जो है, ये आपको म्यूजिक सिस्टम के दिए हुए, गाना आगे पीछे करना हो, आपको मोड चेंज करना हो, कॉल पिक करना हो, कॉल एंड करना हो, म्यूट करना हो, ये ऑप्शंस दिए हुए आपको यहाँ पे। प्लस एक आप स्टीयरिंग देखोगे दूर से तो आपको दिखने लगता है कि हाँ गाड़ी का ये बेस मॉडल ऐसा कुछ नहीं है। अब XM के अंदर क्या है, बिल्कुल लगता है बेस मॉडल का स्टीयरिंग आता है, क्योंकि सेम स्टीयरिंग आता है XC के अंदर भी XM के अंदर भी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये आपको बाहर से आफ्टर मार्केट नहीं मिल सकती। भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प और सेंसिंग वाइपर की तुमको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो ये ऐसी चीज़ होती है जो हमको आफ्टर मार्केट भी नहीं मिलती। कुछ गाड़ियों में हमको आफ्टर मार्केट मिल जाती है, जैसे क्रेटा की पुरानी वाली क्रेटा जो थी 2019 में जो क्रेटा आती थी उसके हमको ये बटन वगैरह बाहर मिल जाते थे, पर नेक्सॉन के हमको बाहर नहीं मिलते। बहुत लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक नहीं मिले कहीं पे भी, मैंने भी किसी जगह पूछा तो कहीं पे भी अभी तक ये अवेलेबल है ही नहीं। और कंपनी टाटा खुद भी लगाती नहीं, जब कितने रुपये दो नहीं लगा के देती आपको। अब जो हम आते हैं मेन जो फोर्थ डिफरेंस हमारा जो मेन डिफरेंस है वो है सनरूफ XMS। तो एस फॉर सनरूफ जो है उससे क्या होता है, सनरूफ में क्या है कि आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है इसके अंदर, मैनुअल ऐसा कुछ नहीं कि मैनुअल आप खुद शिफ्ट कर रहे हो सनरूफ को, प्रॉपर सनरूफ मिलती है। एक जो छोटी चीज़ इस सनरूफ के कारण चेंज हुई है मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे आपके सनरूफ के कंट्रोल्स आ गए, वरना यहाँ पे आपको एक ग्लास आपके होल्डर मिलता है, सनग्लास होल्डर वगैरह मिलता है आपको, वो भी कोई प्रॉपर वो नहीं मिलता जो कि नीचे आता है ऊपर तक फिक्स रहता है, उसके अंदर रख लो आप तो इतना बढ़िया भी नहीं है। उसके अंदर वैसे भी कुछ फॉर्म वगैरह नहीं आता, तो अंदर वैसे भी वो अगर रखोगे आप खराब हो जाता है, उसके अंदर आपको अलग से रखना पड़ता है। और खड्डों में अगर आप रखोगे उसके अंदर तो खड्डों जैसे आएंगे तो गाड़ी वो उछलता ऊपर नीचे होता है, फिक्स होता नहीं उसके अंदर, क्योंकि तो उसकी वजह से आवाज़ भी आती है। तो इतनी कोई खास चीज़ है नहीं, वो उसकी जगह हमको ये कंट्रोल्स मिल गए, ये आपको ऊपर दिख रहा है ये माइक है और ये बटन हमको मिल गए, ये बटन है आपकी सनरूफ बंद करने का, ये ओपन करने का, और ये वाला जो दिया हुआ है हमको ये टिल्ट करने के लिए दिया हुआ है। अब सनरूफ के फायदे क्या है, तो सनरूफ का सबसे पहला फायदा है कि किसी को अगर मुंह बाहर निकालना हो, जो कि आज भाई कई लोग करवाते हैं अपने बच्चे के फेस बाहर निकाल दिया, कभी कभी खुद ने निकाल लिया, तो वो चीज़ आप खुद कर सकते हो आराम से। और गाड़ी के अंदर इनफ स्पेस है कि आप खड़े होने के लिए कि आप खड़े होकर आराम से निकाल सकते हो, आपको ऐसी जरूरत नहीं कि आप टेढ़ा होकर निकल रहे हो, ऐसा निकल रहे हो, प्रॉपरली आप निकल सकते हो। तो इसका प्लेसमेंट है बिल्कुल सही जगह पे, ऐसे कुछ नहीं कि आगे बहुत झुक के जाना पड़ता है, प्रॉपर प्लेस्ड है।
और अब इसके फायदे की बात करते हैं तो जैसे कोई कुछ लोग होते हैं, हाँ कि हमको एक सनरूफ वाली गाड़ी का तो रहता ही है, देखो सनरूफ गाड़ी होती है तो फोटोग्राफी वगैरह करवाने के लिए अगर आपको बाहर निकल के आपको आपका खुद का जो साइड विंडो आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्लिक ऊपर जाके और फोटो क्लिक कर सकते हो आगे की या पीछे की, खुद की फोटो भी लोग क्लिक करवाते हैं, वो शौक होते हैं अपने अपने। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नहीं, बहुत लोगों ने वीडियोज बनाए हुए कि पीछे एक पूरी रैली जैसे आ रही होती है, 5-10 गाड़ियां आ रही होती है साथ के अंदर, तो पूरा एक सनरूफ से जो वीडियो बनती है वो बहुत अलग ही बनती है। एक तो आप बाहर से निकल के बनाओ वीडियो और एक आप विंडो से बाहर निकल के बनाओ वीडियो, एक सनरूफ से निकल के बनाओ तो एक अलग ही व्यू आता है और दिखने में बढ़िया लगता है। और शादियों के अंदर जैसे कोई कभी भी कैमरा कार की तरह भी आप यूज कर सकते हो उस गाड़ी को शादियों के अंदर, कि आराम से पूरा एक रिकॉर्डिंग हो सकती है दूल्हे की गाड़ी की। जैसे एक आपको एक अलग बता रहा हूँ जो चीज़ हमने अभी तक की नहीं है, तो अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी तो इससे बेटर विंडो से बेटर है कि आप ऊपर से करके आप वीडियो बनाए, क्योंकि ऊपर से सेफ है, आप प्रॉपरली खड़े रहोगे और आप ढंग से आपका बड़ा कैमरा भी पकड़ सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आप अभी देखते रहना अंदर की लाइटिंग दिखाएं यहाँ पे, अभी मैं बंद कर रहा हूँ उसको। अभी अंदर के अंदर अंदर कैबिन के अंदर देखो डार्कनेस कितनी ज़्यादा हो रखी है। अब देखो एक बार मैं अगर ब्लाइंड भी डाऊंगा तो भी ब्राइटनेस आ गई है, आप न्यूज़पेपर वगैरह आराम से पढ़ सकते हो। और अगर मैं खोल देता हूँ इसको तो रोशनी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ का फायदा वो कब मिलता है, जब कभी आप लंबे टूर पर जा रहे हो, कुछ पढ़ रहे वगैरह हो तो आपको अलग से कुछ लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट वगैरह बहुत चमकती है। और आपको एक अलग से एडिशनल लगी भी आप इसको ना कभी भी खड़े हो, मान लो आपको गाड़ी स्टार्ट कर रखनी नहीं है, एसी ऑन कर रखना नहीं है, तो आप इसको गाड़ी जो सनरूफ है टिल्ट मोड पे डाल के रख सकते हो और गाड़ी के अंदर आपको एयर जो है फ्लो, हल्की फैन भी ऑन कर लोगे तो भी अच्छा फ्लो होता रहेगा और आपको एक ठंडी हवा मिलती रहेगी। एक तो शाम के टाइम मजा आएगा पूरा आपको, शाम के टाइम अगर आप सिटी में थोड़ा साइड में घूम रहे हो तो आराम से खोल लो, बैठ जाओ कहीं पे भी, आपको एक अलग ही पूरा मजा आता है। पूरा माउंटेन्स वगैरह आपकी अगर सिटी में है, जैसे जयपुर सिटी में माउंटेन्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे चले जाओ आराम से खोलोगे, ऊपर खड़े होकर देख सकते हो आप चीज़ों को, तो बहुत मजा आता है। और प्लस अगर वेदर अच्छा है तो आपको अलग ही मजा आएगा आराम से बैठने में भी और ऊपर निकलने में भी। बाकी क्वालिटी प्रीमियम है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप जैसे कोई किसी का हो कि यार मैं 1,500 रुपये क्यों दूँ इस सनरूफ के लिए, स्टिक माउंटेड कंट्रोल के लिए, तो मैं जरूरत नहीं है, मेरे को स्टिक माउंटेड कंट्रोल की जरूरत नहीं है आफ्टर मार्केट की, अगर सोच रहा है तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, मैं अभी आपको बोल देता हूँ। अब मैंने भी ट्राई करके पूछा था लोगों से लेने से पहले और अभी भी पूछ रहा हूँ लोगों से कि है कि नहीं अवेलेबल, तो अपडेट देने के लिए ही सिर्फ, तो ये चीज़ नहीं है मार्केट में अवेलेबल। रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प हटा देता हूँ मैं, क्योंकि उसकी कोई इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है। सनरूफ जो अगर आप इलेक्ट्रिक लगवाते हो, मैनुअल लगाओगे तो 30,000 का आपका खर्चा बैठता है, जो भी सेफ नहीं होता आपको पहले बोल देता हूँ, क्योंकि वो कभी कभी लीक कर जाती है जो आफ्टर मार्केट होती है। और इलेक्ट्रिक लगवाने का खर्चा जो आता है वो आता है 90,000 के नियर बाय, वो भी आप अच्छी जगह से करवाओगे तो। अगर आप बाहर से कहीं से जगह से करवा रहे हो तो आपको उतनी भी हो सकती है, 70,000 में भी हो जाए, पर आपको उसका वही चीज़ हो सकती है कि आपको उतनी दिक्कत हो सकती है। प्लस आफ्टर मार्केट कंपनी से करवाओ चाहे बाहर से कहीं से भी करवाओ, आपको हमेशा रिस्क रहता ही है कि वो लीक होने का या फिर उसमें दिक्कत आने का। और जो गाड़ी की आपकी जो सेफ्टी होती है, अगर आपने बाहर से गाड़ी की बॉडी को कटवाया है तो सेफ्टी भूल जाओ, गाड़ी की वारंटी भूल जाओ, कि इंश्योरेंस क्लेम भी जो है नहीं हो सकता, या होगा भी तो भी बहुत मुश्किल से होगा वरना नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये तो सब होगी सारे फीचर्स वगैरह की बात, और अब मेन हम इस पे आते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर कि हम XMS लें क्यों लें, कहीं दिक्कत तो नहीं है उसके अंदर, क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। तो ये तक दिक्कत था कि क्यों लें, क्या फ़ायदा आपको मिलता है, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है कि गाड़ी सेफ है कि नहीं है। एक भाई का हमारे क्वेश्चन था कि गाड़ी सेफ रहेगी कि नहीं है, 5-star रेटेड रहेगी नहीं रहेगी। तो भाई अगर कंपनी आपको दे रही है सनरूफ वाला जो एडिशन है वो दे रही है, तो उसमें ये थोड़ी है कि भाई बाकी सब में 5-star है तो उसमें हम 2-star ही दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का होता है कि गाड़ी के अंदर चोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, भाई चोरी होने के चांसेस ऐसा कुछ तो है नहीं, घर वाला ग्लास लगा दिया उन्होंने कि आपने ऊपर से छोटा पत्थर मारा, कंक्रीट मारी तो गिर गया नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। टफन ग्लास होता है, आपके विंडो से भी अच्छा ग्लास होता है, मोटा थिक ग्लास होता है। और अगर चोरी करनी है तो उसको ऊपर वाले क्यों तोड़ेगा, इधर साइड आएगा तोड़ेगा ना, आराम से आएगा कम से कम, बंदा ऊपर वाला तोड़ेगा फिर नीचे घुसेगा, ऊपर से निकलने में परेशानी होगी तो कोई सा तोड़ लेगा, वो तो तोड़ने को तो वो तो हो गई फालतू बात है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है चोरी वगैरह वाली। और वो होगी जो होगी, देखो अगर आप ये सोच के सोचोगे कि नहीं यार मैं सनरूफ लूँ नहीं, सनरूफ के मुझे तो आज तक फायदे दिखे हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम जो है सनरूफ के अंदर नॉइज वगैरह आती है, पर आपको अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको 60,000 के अंदर XMS आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल रही है और आपको उसका बेनिफिट मिलता ही है। तो अभी एक भाई का हमारे कमेंट ये भी आया हुआ है वीडियो के ऊपर कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के अंदर तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्या सनरूफ वाली लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा तो क्यों खोलूँ मैं इसको। तो भाई आपको बताना चाहूँगा खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप ना इसको ब्लाइंड इसका जो है उसको बंद रखते हो, इसे भी देखा दिखाता हूँ आपको मैं, अभी ब्लाइंड बंद है, अगर ब्लाइंड खोलते भी हो तो अंदर की रोशनी बढ़ जाती है कैबिन की, प्लस जो ऊपर का आपको व्यू दिखता है उसका एक अलग ही मज़ा है।
तो आपको ये तो सनरूफ बंद करने में मिल जाएगा, उसके अंदर से कोई पॉल्यूशन भी नहीं आएगा, तो आपको सनरूफ का बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। प्लस ऐसा तो है नहीं कभी आप हमेशा दिल्ली में ही चलाओगे, दिल्ली से बाहर भी जाओगे, दिल्ली से बाहर जाने का भी आपको बेनिफिट मिलता है, बाहर जाके खोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं गया था दिल्ली आज से करीबन एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले। उस टाइम मैंने मेरे पास जीप कंपस थी, उस पर पंद्रह सनरूफ उस टाइम पे नहीं आई थी, उस गाड़ी को ले गया था और मैं इंडिया गेट, जो आपको पता है राजपथ वाला एरिया है, उसके अंदर वहाँ पर जाके मैंने उसका पैनल भी सनरूफ खोला था, खोल के चलाई थी। और रात को जब चलाई थी मैंने तो इतना पॉल्यूशन था नहीं, क्योंकि वो टाइम था अराउंड मार्च का कुछ का, तो भाई मज़ा अलग ही आ गया था, अलग ही फील आ गया था। और खोल के चलाई थी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि पॉल्यूशन में घुस गया, ऐसा हो गया वो गया, और जहाँ पॉल्यूशन लगा बंद कर लिया उसको, ऐसा कुछ है नहीं कि आप चलती बंद नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। मेरी तरफ से सजेस्ट करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खरीद सकते हो इसको XMS वेरिएंट को, और ख़रीदो इसी क्योंकि आपको 60,000 रुपये के अंदर ऐसी चीज़ मिल रही है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं आपको, तो कितने और क्या चाहिए आपको। और इसके अलावा फिर ऊपर जाओगे तो रेट बोर्ड बढ़ानी पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर सकते हो, क्वेश्चन अभी भी आपके मन में अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम अलग वीडियो आप बता देंगे आपको उसकी चीज़ों के बारे में, कि और क्या क्या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए। थैंक यू।